हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 वेक्टर्स चल रहा है, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू अ फ्रिक्शनलेस वॉल सो दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द स्फीयर बाय द वॉल। तो ये आपको एक स्फीयर दिखाया गया है बोर्ड पे और वो एक स्ट्रिंग के जरिए अटैच है वॉल के साथ, और जो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग एंगल बना रहा है वॉल के साथ वो 30 डिग्री का है। और आपने स्ट्रिंग में टेंशन की फोर्स फाइंड करनी है और वो फोर्स फाइंड करनी है जो स्फेयर पे लगेगी फ्रॉम दी वॉल। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखें कि मैंने सबसे पहले जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है, और जो ये स्ट्रिंग है उसके साथ मैंने, आप देख सकते हैं, ट्रायंगल कंप्लीट की है टी साइन थीटा। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, टी कॉस थीटा। ये जो टी के साथ आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शंस ड्रा की हैं जिनके ऊपर आपने टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल थीटा बन रहा है वो भी 30 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन पे अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो अपर कॉर्नर पे 30 डिग्री है तो लोअर कॉर्नर पर भी 30 डिग्री ही होगा। अब देख सकते हैं स्फेयर के अंदर जो फोर्स इंडिकेट की है वो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ स्फेयर है, यानी कि दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फेयर एंड वेट ऑफ स्फेयर इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप चलते हैं कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ये फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्ट कर रही हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक्ट कर रही हैं, तो हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम जीरो के बराबर है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ये आप देखें कि एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ और दूसरी फोर्स एक्ट कर रही है टी साइन थीटा। ये दोनों ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं, टी साइन थीटा की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और जो एफ है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आप देखें कि एफ जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये प्लस का आएगा, और टी साइन थीटा की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगी एफ इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम भी जीरो के बराबर है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखें y एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में t cos थीटा, और दूसरा क्या है, वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में w। तो ये बनेगा t cos थीटा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है और दूसरी है माइनस w, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास जीरो के बराबर हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में वेट ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है 10 न्यूटन और एंगल भी गिवन है 30 डिग्री का, तो यहाँ से जो टेंशन है वो अलग हो सकती है, इसका मतलब है तो टेंशन यहाँ से अलग होके टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये आप देखें कि जब टेंशन आ गई है तो फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर, सो वी हैव टू पुट द टेंशन इन इक्वेशन वन। जो आपके पास टेंशन की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करें, एफ इज इक्वल टू 11.55 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, और ये आंसर बनेगा 5.8 न्यूटन। तो ये था हमारा प्रॉब्लम, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं।